बाप रे बाप, काज तोड़ दिया। देवकी तू ठीक है ना? हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ, मगर मगर ये गाड़ी। भाग देवकी भाग, कहीं वो मोटर वाला आ गया तो फंस जाएगी, पुलिस में देखा वो। भाग, तुम लोग भी भागो। माफ कीजिए मैं सर जल्दी में थी, काश छुड़ी है ना, मोटर वाला आ गया तो मेरी छुट्टी कर देगा, वैसे भी ये पैसे वाले बड़े जालिम होते हैं। ये मोटर तुम्हारी तो नहीं? तुम इसके मालिक हो? अच्छा मैं चलती हूँ, मैं भाग कर रही थी, मैं तो जा रही थी, जा भी नहीं रही थी, आ रही थी। आना जाना तो लगा ही रहता है, कोई आता है कोई जाता है। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ा है ये नुकसान कौन भरेगा? तुम जैसे लोगों को तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। नहीं बाबूजी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, नाश्ते में मेरा पाँव फिसल गया। ये रख लो 25 रुपए, मेरी दिन भर की कमाई। दिन भर की कमाई? हाँ ठीक है ठीक है, आइंदा सड़क पर उछलना कूदना छोड़ दो, समझी? छोड़ दो। ये लो जाओ। ए छोकरी इधर आओ। अरे इधर आओ ना, ये तू लगड़ा क्यों रही है? कुछ नहीं। कपड़ा ऊपर करो। क्या? अरे कपड़ा ऊपर करो। नहीं नहीं ये तो जख्म है। हाँ। यही ठहरो, मैं अभी आया। नहीं। क्या हुआ? मैं हल्दी चूना लगा लूंगी, ये दवा बहुत चलती है बाबूजी। चुप चुप, जहर फैल जाएगा। फैल जाएगा। नहीं नहीं चुप चुप, कितना जोर से चिल्लाती है, चल जा अभी। बाबा आ गई बेटी। हाँ तुम्हारे लिए दवा लेकर आई हूँ, ये गोली और ये टॉनिक। बेटी मेरे कारण तुझे कितने दुख उठाने पड़ते हैं। क्या दुख उठाती हूँ, नाच गाने में बहुत मजा आता है बाबा। सब देख रहा हूँ बेटी, तेरे पाँव की ये छाले मुझसे छुपे नहीं हैं बेटी। तुम तो बेकार की चिंता करते हो बाबा, रात में हल्दी कूट कर लगा लेती हूँ, सुबह तक साफ हो जाते हैं बस। फिर शाम आ जाती है और फिर छाले पड़ जाते हैं। बेटी मेरी इस बीमारी ने तुझे सड़कों पर पहुंचा दिया है, न जाने दुनिया वालों की कैसी कैसी नजरें तुझ पर पड़ती होंगी बेटी। अपनी नजर अच्छी हो तो बाबा दुनिया की कोई बुरी नजर कुछ नहीं बिगाड़ सकती।